स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मार ली है और देश भर के शहरों का सिरमौर बना है। इस उपलब्धि को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार की तारीफ की। उन्होंने नंबर वन आने पर इंदौर वासियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा। लगातार 4 वर्षों से इंदौर पहले स्थान पर आ रहा है। जो शहरों में स्वच्छता को लेकर काम हुआ है उसी का परिणाम है कि आज हम देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। मैं इंदौर की जनता को भी बधाई देता हूं। जो शहर अच्छा काम करेंगे उनके लिए हम लोगों ने रैंकिंग निर्धारित की है और काम के आधार पर उनकी रैंकिंग करेंगे और वो रैंकिंग भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताएंगे। दूसरा कोई नेता है भी नहीं है तो नाम एक ही है, इसके अलावा कोई है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कोई दूसरा नाम नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कोई दूसरा नाम नहीं है। इसमें कांग्रेस की मजबूरी है, कमलनाथ को ही वो नेतृत्व करना पड़ेगा। वो जिससे करना युवा है कि नहीं है, वो युवाओं को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था उसका क्या होगा। पहले तो युवा ये पूछेंगे, उसके बाद युवा उनसे संवाद करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई युवा संवाद करेगा।